हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना के द्वारा जो हाल ही में कमिटमेंट आया है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, नेट ज़ीरो होना पड़ेगा 2060 तक चाइना को। तो इस कमिटमेंट का चाइना के लिए और इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, चाइना की डीप स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या है और इंडिया पर क्या इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस दे रहे थे, सितंबर की बात है, तो इन्होंने ये कमिटमेंट अनाउंस किया 2060 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे। नाउ चाइना जैसी कंट्री का ऐसा अनाउंसमेंट करना बहुत होप दिखाता है जो लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट तो ये है ही। दूसरी वजह यह है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। It is also one of the largest consumers of coal. तो इसकी तरफ से कमिटमेंट अनाउंस करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, बट स्टिल काफ़ी डीपर स्ट्रेटेजी चाइना की है जो हम पढ़ेंगे। ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी का एम है, अच्छे से कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, तो कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2060 यानी नेट ज़ीरो कार्बन अमीशन अचीव कर लेंगे। इनके लिए इनको फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल घटाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होगी वो बिल्कुल क्लीन तरीके से करनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले तो कोल के कंजम्पशन को एलिमिनेट करो 2060 तक। मैंने बताया आपको, पहले तो कोल का कंजम्पशन बंद करो, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा, जो आप ऑलरेडी इतना एमिशन रिलीज कर चुके हो उसको ऑफसेट करो, एब्जॉर्व करो। कैसे? बाय सच मेथड्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज और कार्बन स्टोरेज, जिनको आप कार्बन सिंक भी कहते हो। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के लिए ग्राफ दिखा देता हूँ। ये ग्राफ है, रेड वाली जो लाइन है वो चाइना के लिए है और ग्रीन वाली लाइन चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया का टोटल यहाँ पे बताया ग्रीन वाली लाइन में। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कोल कंजप्शन देखो किस तरीके से, ये रेड वाले चाइना का है ध्यान रखना, तो चाइना किस तरीके से ग्लोबल जो हम जो बाकी दुनिया उसको भी पछाड़ दिया कोल कंजप्शन में। ठीक है, तो चाइना का कोल कंजप्शन इतना ज़्यादा था, इस वजह से इसका एक कमिटमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है कि इसको लेना ही था। द गोल ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट द वेबिलिटी ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट इन कोल प्रोजेक्ट्स एंड द रिस्क ऑफ स्ट्रैंडेड असेट्स। देखो ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, आपको क्लीनर फ्यूल तो चाहिए, बट इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अभी एक स्टडी हुई थी तो उसमें पता लगाया गया था कि करीब करीब दुनिया को क्लीन एनर्जी के लिए $15 ट्रिलियन चाहिए। ठीक है, तो $15 ट्रिलियन हमें क्लीनर एनर्जी के लिए चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पेंडेमिक आया था, स्लो डाउन हुआ, तो जो ऑलरेडी कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया है पॉलिटिशियंस पे कि अभी कोल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट बंद मत होने दो, हम धीरे धीरे ट्रांजिट कर लेंगे क्लीन एनर्जी की तरफ। पर COVID-19 की वजह से हमको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने दो। पैंडेमिक की बात भी अगर अलग रखें तो इतने सालों से जो इन्वेस्टमेंट था फॉसिल फ्यूल्स में वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऑलरेडी जो प्लान इन्वेस्टमेंट्स है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कोल प्रोजेक्ट्स में, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा? तो थोड़े से डाउट यहाँ पे खड़े होते हैं कि क्या वास्तव में ये नेट न्यूट्रलिटी के जो कमिटमेंट्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ भी निकालती हैं, क्या वास्तव में ये सीरियस हैं? तो एक तो ये चीज़, दूसरी चाइना को अपने पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को मीट करने के लिए सबसे पहले तो 2030 तक अपनी थर्मल पावर कैपेसिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। जिस तेज़ी से वो ऐड कर रहा है ना वो गलत है, 2030 तक रिड्यूस करना पड़ेगा सबसे पहला चैलेंज ये है। फिर जहाँ पे यहाँ पे आपका नेट जीरो बाय 2060 अचीव होगा। अब दिस वुड इंक्लूड सब्सिडीज टू एक्सेलरेट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी, कंपनीज को पैसा देना पड़ेगा ना सब्सिडी के रूप में ताकि वो अडॉप्ट कर सकें, वरना उनका लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे पावर ग्रिड्स में, एनर्जी बैटरी स्टोरेज में और मार्केट का रेगुलाइजेशन करना पड़ेगा।
तब जहाँ पे यहाँ पे हो सकता है कुछ कि मतलब निकले। चाइना को यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, कोल्ड फायर प्लांट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, बट इट इंक्लूड्स एन इशू, लाइक इसमें आपको पब्लिक सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है, क्योंकि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट आप बना रहे हो तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस भी होते हैं। अब आपको मैं चाइना की डीपर स्ट्रेटजी समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि चाइना एक तरफ साउथ चाइना सी में जाके मरीन रिसोर्सेज को बर्बाद करता है, इलीगल फिशिंग करता है, और एक तरफ आके क्लाइमेट चेंज के लिए एक कमिटमेंट अनाउंस करता है, तो डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाइना को दिख रही है। तो चाइना हैज़ वेरी अर्ली आइडेंटिफाइड द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ इन द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसको ये बात समझ में आने लग गई कि अब मुनाफा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर ही है, क्योंकि अब फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं, वाइन टर्बाइन सिस्टम है, तो इसमें प्राइसेस में बहुत गिरावट भी आ गई हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल के तहत, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, बहुत सारा आप एक साथ प्रोडक्शन करो तो पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो आपका रिड्यूस होती जाएगी, और चाइना इतने सालों से हर सेक्टर में यही तो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो चाइना इसमें भी क्यों ना करे। तो एक तो उसको पता है कि धीरे धीरे प्राइसेस इतनी गिर जाएंगी कि इकोनॉमिकल इसको बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, ये चाइना के इंटरेस्ट में ही है कि चाइना क्लियर फ्यूल्स अडॉप्ट करे, क्योंकि इट वॉन्ट्स टू पोजिशन इट्सेल्फ एज अ सुपर पावर। भारत भी ये चाहता है कि भारत एक सुपर पावर बने, चाइना भी ये चाहता है। तो चाइना ने इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और अपनी जो इनकी अभी 14-5 ईयर प्लान चल रहा है चाइना वालों का, ठीक है, तो अभी आएगा मतलब थोड़े महीनों में, तो ये बेसिकली इसमें अब सीरियसली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नेट जीरो कार्बन टारगेट का कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा ये आगे दिखेगा 14-5 ईयर प्लान में, लेकिन अभी तक के कमिटमेंट से लग रहा है कि चाइना इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, बसेज, इट ऑल्सो डोमिनेट्स लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन एंड केमिकल रिफाइनिंग। ये आपको प्रूफ मैं बता रहा हूँ कि चाइना कमिटमेंट क्यों अनाउंस कर रहा है ऐसे, क्योंकि ग्लोबली आप देखोगे, चलो डोमेस्टिकली तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता ही है चाइना, इंटरनेशनली भी चाइना ने जितना इन्वेस्ट किया है ना उतना आप सोच नहीं सकते, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ग्लोबल सप्लाई चेन में। जैसे रिफाइनिंग की बात करूँ तो 80% तक चाइना का शेयर है, लिथियम आयन की मैंने बात की तो उसमें 73% तक का है। तो एक चीज़ तो उसको समझ में आ गई कि अब जाके डोमिनेंस अगर करनी है वर्ल्ड में तो हमको क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वैसे चाइना को रिस्क बहुत उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में देखो, अब तक तो इसने कोल जो प्लांट्स थे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था कोल प्रोजेक्ट्स में, लेकिन अब इसको सब चेंज करना पड़ेगा, कॉस्ट उठानी पड़ेगी। तो इसने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपना ली है, क्रिटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है ताकि एक डोमिनेंस अचीव कर ले। और एक बात याद रखना, चाइना अभी एक डेवलपिंग कंट्री है दुनिया के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चाइना डेवलपिंग कंट्री है। तो आपने पढ़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, यानी डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग होती है और डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। कुछ हल्की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी बाइंडिंग नहीं होती डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। चाइना अभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे चाइना इतना बर्डन तो नहीं उठाएगा जितना डेवलप्ड कंट्री उठाएंगे, तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरी बात, क्लाइमेट फ्रेंडली गोल्स अपनाओ, एम्बिशियस क्लाइमेट गोल्स अपनाओ, इससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा साथ में पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, आपकी इमेज सुधरेगी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी आप बढ़ जाएगी। अब ये तो चाइना की स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। इंडिया पे क्या इंप्लीकेशन है इसका, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है चाइना के तहत दुनिया की नज़रों में, इंडिया पे प्रेशर आएगा इससे, दिस विल डेफिनेटली पुट प्रेशर ऑन इंडिया टू रिव्यू इट्स ओन कमिटमेंट। भाई इंडिया जो भी लीडर बनना चाहता है और चाइना से ज़्यादा सॉफ्ट डिप्लोमेसी की पावर रखता है, तो इंडिया पे तो प्रेशर बढ़ेगा ही कि जब चाइना जैसी कंट्री है कमिटमेंट अनाउंस कर सकती है तो वाई कांट यू। चाइना ऑलरेडी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई डोमिनेट करता है, यानी चाइना अब क्लीन एनर्जी में भी अगर अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है
तो हमको फिर इसमें दिक्कत आने लग जाएगी। ऑलरेडी आप देखो ना, बैटरी सिस्टम, सोलर सेल्स और अदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देख लो, इंडिया किस पर डिपेंडेंट है हैविली? चाइना के लिए। आत्मनिर्भर भारत क्यों आया? इसलिए आया है ताकि बैटरी सिस्टम, सोलर सेल्स पे हमारी इंडिपेंडेंट चाइना पे कम होए। तो चाइना क्या चाहता है? ये डोमिनेंस इसकी और बढ़ती जाए, और आने वाले टाइम पे जब सारे कंट्री कमिटमेंट अनाउंस कर रहे हैं तो सब चाइना की तरफ हो जाए, ठीक है। अच्छा, कल पीएलआई स्कीम के बारे में मैंने बताया था, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें मैंने क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कुछ सेक्टर्स हैं, फार्म्स हैं, उनको जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, स्केल अप करेंगे प्रोडक्शन को, तो उनको कैश इंसेंटिव अप टू 6% तक मिलता जाएगा, जितना इंक्रीमेंटल सेल्स उनकी होती जाएगी। तो उनमें एक सेक्टर मैंने आपको बताया था, ये सोलर सेल्स के लिए, ठीक है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सोलर सिस्टम, बैटरी सिस्टम, इनके लिए। क्यों? तो उसकी वजह यही थी कि हम आने वाले टाइम पे, अब लग रहा है कि क्लीन एनर्जी की तरफ जब दुनिया बढ़ेगी तो हमको डिपेंडेंस चाइना पे कम करनी पड़ेगी। बट दैट विल नॉट बी ईजी, क्योंकि इसमें हमें की सेक्टर आइडेंटिफाई करने हैं सप्लाई चेन में, जब इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है और चाइना पे इंडिपेंडेंट घटा सकता है इंपोर्ट्स पे, और ये हमने किया है पीएलआई स्कीम के तहत। हालांकि पीएलआई स्कीम में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है फर्म्स का रजिस्टर करने का, लेकिन वो कुछ और बात है, कभी और करेंगे। तो अभी तो ये समझना पड़ेगा कि हमें और कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, द कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज़ वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर अस, केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिजिनाइज कर सके, देसी बना सके, एंड वी हैव टू अटेल द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई कमिटमेंट अनाउंस ही नहीं किए, इंडिया काफ़ी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, चाइना से ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को लेती है। ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ तो मरीन रिसोर्सेज को बर्बाद कर लो, दूसरे की टेरिटरी में जाओ, वहाँ उसका जो लॉज है, लॉ ऑफ द सी, उसको उल्लंघन करो, और एक तरफ क्लाइमेट चेंज के लिए गोल अनाउंस करो, ऐसा नहीं है। इंडिया का डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता। तो इंडिया ने ऑलरेडी जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं होते, जो आपने पढ़ा हुआ क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में NDC 2030 के लिए ऑलरेडी सेट कर सक किए हुए हैं, जैसे कि हम GDP का जो हमारा जो एमिशन इंटेंसिटी है वो GDP का 1% तक ले आएंगे, ठीक है, 1/3 तक ले आएंगे, ठीक है, जो 1/3 है GDP का वहाँ तक ले आएंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी हमारी 2030 तक 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 2030 तक हम इतनी ही अपनी क्लीन एनर्जी बना लेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज आएगी 40% कम से कम। तो यही नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, नेट जीरो कार्बन के लिए आपको कार्बन एमिशन तो कम करना ही पड़ेगा, साथ में ऑफसेट भी करना पड़ेगा। तो इंडिया ने कार्बन सिंक का भी प्रॉमिस किया है, जहाँ पे कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना एटमॉस्फेयर में से, ठीक है। तो हमने 2.5 to 3 billion tons का कार्बन सिंक का प्रॉमिस किया है, और हम 2030 तक फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ाएंगे, और इससे ही तो यहाँ पे कार्बन सिंक बनेगा। तो ये जो कमिटमेंट्स हैं ये इंडिया के पहले से अनाउंस है, लेकिन नेट जीरो एमिशन के लिए इंडिया का क्या कमिटमेंट आता है ये दुनिया भी देख रही है, और आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है, चाइना इस प्लान को कितना सीरियसली लेता है ये आगे देखा जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।